आदमी, कहां से इसको इतनी हिम्मत मिली है कि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सोच समझ कर निर्णय देना चाहिए, इनसे पूछ कर देना चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है। और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब भी यही हुआ था, कोर्ट को धता बताया गया था, कोर्ट ने मना किया था कि लोगों को वहां पे नहीं जमा होने दिया जाएगा, लोग जब जमा हो जाएंगे भीड़ की शक्ल में क्या कर लेगी पुलिस, कितने पुलिस हो जाएंगे। और आज उसका नतीजा आप देख लीजिए किस तरीके से सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी, उसके अपने साथी उस इंसान को छोड़ करके भाग गए। यह जो हम इंसान हैं, हमको जो भीड़ बनाया जा रहा है, और ये जो भीड़ बनाने का प्रपंच है, उस प्रपंच को जो हम नहीं समझ रहे हैं, उसी से इस इंसान को यह आत्मविश्वास आता है, उसी से वो यह शक्ति हासिल करता है कि अपने तमाम वादों को भुला करके, कितनी अजीब बात है, सोचिए चुनाव हो रहे हैं देश के 5 राज्यों में, चर्चा घोषणा पत्र पे होनी चाहिए तो घोषणा पत्र की जगह गोत्र पे चर्चा हो रही है। देश के लिए क्या जरूरी है, घोषणा पत्र जरूरी है या गोत्र जरूरी है, ये बहस हमारे आसपास हो रही है। और इन्हीं बहसों के बीच तमाम गैर लोकतांत्रिक, संविधान विरोधी, देश विरोधी कार्रवाई और कथन इनके द्वारा एक एक करके किए जा रहे हैं, और हम गंभीरता से इस बात को लेने के लिए तैयार हैं। और गंभीर होने का यह मतलब नहीं होता है कि रात भर 10 लोग बैठे हैं सरकार के लिए खूब मर्सिया पर हैं, 12 बजे सोने के बजाय 3 बजे सोएं, फिर 11 बजे उठ करके क्रांति की बात करें, गंभीर होने का यह मतलब नहीं होता। गंभीर होने का यह मतलब होता है कि आपको जिस शक्ति से लड़ना है उसके काम का मुकाबला आप कैसे करेंगे, कितने स्तर पे ये काम किया जा रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। 90 के बाद जो बच्चे इनके गुरुकुलों में पढ़े हैं, इन्होंने गुरुकुल को भी बदनाम किया है, उन गुरुकुलों से तैयार बच्चे आज जवान हो चुके हैं, फसल पक करके तैयार हो चुकी है, और उसको काट करके ये सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं। किसान को फसल का दाम मिले ना मिले, इनको इनकी हैवानियत का दाम जरूर मिल रहा है। उन नौजवानों के साथ हम संवाद कैसे स्थापित करेंगे, व्हाट्सएप पे धीरे 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 धीरे, पहले जो है महिला विरोधी जोक्स आएंगे, अच्छा लगेगा, फिर ये कहा जाएगा कि ओम नमः शिवाय 10 लोगों को भेजो मनोकामना पूरा हो जाए, फिर ये कहा जाएगा कि फला व्यक्ति जो है वो देश विरोधी है, और वो फला व्यक्ति देश विरोधी नहीं है, वो फला व्यक्ति सही में संविधान के पक्ष में है और मोदी जी के खिलाफ है, वो मोदी जी के खिलाफ में नहीं है, वो संविधान के पक्ष में है और मोदी जी संविधान के खिलाफ में है, इसलिए उसको बहुत आसानी से संविधान विरोधी और देश विरोधी बनाने की कोशिश की जाएगी। दिन रात ये झूठ आपके बीच में परोसा जाएगा, और धीरे धीरे आप उसी तरीके से झूठ को सच मानने लगे जैसे आपने मान लिया है कि सबसे शुद्ध पानी केंद्र देता है। ये जो पूरा का पूरा आडंबर है, इससे सिर्फ चुनाव में नहीं लड़ा जा सकता है, लेकिन चुनाव में शामिल होना, वोट देना और राजनीतिक दलों का चुनाव करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से तो नहीं होगा। और ग्राउंड पे आप जाकर के देखिए, हमारे मुद्दे गायब है। एजुकेशन में 27% की बजट कटौती की गई है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। बोल करके सामने से आदमी झूठ बोल करके ठग लिया, अभी तक खाते में 15 लाख नहीं आया है, फिर भी झूठ बोले जा रहा है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। रोहित वेमुला, गौरी लंकेश जैसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। और सबसे अजीब बात आप देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा देखें, ताजा वाला, लेटेस्ट वाला, प्रियंका चोपड़ा के साथ आया, पूरा 32 निकाल रहे हैं, गिन लीजिएगा इतना एकदम, इतना बड़ा उनका मुंह, वो आदमी, वो सैतानी हंसी है, इस बात को आप समझिए, जिस देश के प्रधानमंत्री के काल में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई है, एक शोक के शब्द नहीं है उसके मुंह पे,
और योगी जी किसमें इंटरेस्टेड है? हैदराबाद का नाम बदल दे। अच्छा हुआ ना प्रियंका चोपड़ा के ब्याह में नहीं गए थे, उसके पति का नाम बदल आ गया। ये आपके इर्द गिर्द हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मजबूत इसलिए कह रहे हैं कि आजकल मैस्कुलिनिटी लोग, हालांकि हमको कोई भरोसा नहीं है, और सर जी नामर्द होना कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि भगत सिंह कभी बोले नहीं, लेकिन अगर बोले होते तब भी नहीं मानते। नामर्द होने में क्या बुराई है, औरतें तो नामर्द ही होती है, वो तो मर्द नहीं। एक नामर्द नहीं हमको पैदा किया, मेरी माँ ने हमको पैदा किया उसके ही पेट में। मैं ये कहता हूं कि इस तरह की चीजों में हमको नहीं जाना है। बिल्कुल संवेदनशीलता से और तर्क के साथ इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि कैसे इसमें हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि राधिका अम्मा चुनाव लड़ेंगी, रोहित बोमला का सवाल कोई नहीं मिला। अरे जब हम चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग हमसे आज भी जेडीयू का सवाल पूछते हैं, तो जब राधिका अम्मा चुनाव लड़ेंगी तो ये सवाल सरकार से पूछेंगे कि हमारा बेटा कहां है। जब नजीब की मां चुनाव लड़ेंगी तो पूछेंगे पता हमारा बेटा कहां है। जब ऐसे तमाम लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तब ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। How can it possible? और इसमें से You will contribute, then it is possible. You are ready for it. Yes, I will. Then it is possible. मान लीजिए कि मुझे दिल्ली आना हो तो ऐसा थोड़ी सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, घर से बाहर एक कदम निकालेंगे, अपने गांव के चौराहे पे पहुंचेंगे, वहां से बस लेंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, टिकट कटा करके ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली आ जाएंगे। ऐसा कौन सा मंजिल है जिसको पाया नहीं जा सकता है? मोदी जी अगर चाय पीते हैं, हम लोग बैठ में कहते हैं ना माना कि 100, चूंकि इसलिए बनाया है कि नहीं माना कि 100, तो मान लेते हैं कि मोदी जी चाय बेचे हैं। तो जब मोदी जी चाय बेच करके, इस लोकतंत्र में इतनी शक्ति है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में इतनी शक्ति है कि चाय बेचने वाला सबका प्रधानमंत्री बन सकता है, तो राधिका अम्मा जो है पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकती है। ये सारे लोग जो ये यहाँ कह रहे हैं ना, इनको वहां तेलंगाना चलना पड़ेगा या आंध्र प्रदेश चलना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो बात ये है कि जब ही चुनाव लड़ने की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि अपना कैरियर सेट कर रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी किस लिए आए हैं? अपना जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। आपको कैरियर से इतनी दिक्कत क्यों है? आप आईएएस नहीं बनना चाहते हैं, आप जो है प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं, आप डांसर और म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते हैं, ये सब कैरियर अच्छा है, पॉलिटिक्स का कैरियर खराब है। तो फिर मोदी को क्यों गाली देते हैं? खराब आदमी है, खराब प्रोफेशन है, क्या जरूरी है आपको अपना समय बर्बाद करने का पॉलिटिक्स जब इतनी खराब चीज है? तो ये मजेदार बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक पे पोस्ट लिख करके देश में सब गलत हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जाना कठिन होता है। और ग्राउंड पे जाकर के जब कोई कुछ करने लगता है सफलता तो मिलेगी। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी की पत्नी खाना लेकर के जा रही थी, पहाड़ से टकरा करके वो गिर गई, उनकी मौत हो गया। अस्पताल वो नहीं पहुंचा सके क्योंकि पहाड़ की वजह से रास्ता लंबा था। दशरथ मांझी ने मोहब्बत के लिए उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया।
और ये मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुष्पक विमान की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आप अपना तर्क लगा करके हमको पूछ दीजिएगा कि पेट्रोल उसमें डलता था कि नहीं। मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसको किया नहीं जा सकता? इसमें दो दिक्कत आती है। एक, अपने कंधे पे हम ये लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर आगे बढ़ करके उस काम को करने के लिए तैयार है तो हम हिचकिचाते हैं कि इसके साथ कहीं हम टैग तो नहीं हो जाएंगे। इतना बड़ा कैनवास बनाया है इस सरकार ने कि आपको भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। आप फेसबुक पोस्ट लिखिए, आप अर्बन नक्सल होंगे। आप इस मीटिंग में बैठिए, आप अर्बन नक्सल होंगे। आप किसानों के मार्च में शामिल होइए, आप अर्बन नक्सल होंगे। आप कोई भी सरकार विरोधी और जनता के पक्ष में काम कीजिए, आप अर्बन नक्सल होंगे। एक ऐसा बास्केट खरीद के लाया है अपने मीडिया के दोस्तों के द्वारा इसने कि जिसके भीतर ये किसी चीज को जान डाल सकता है। एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स। नक्सलिज्म से आपका कोई लेना देना नहीं हो, आपको उसका इतिहास भी नहीं पता हो और आप इंटरेस्टेड भी उसमें नहीं हो, लेकिन आप यदि जनता के पक्ष में कुछ भी बोल रहे हैं तब आपको उस पिंडोरा बॉक्स में डाला जा सकता है। और ये इनका दूसरा प्रयोग है। इससे पहले का जो इनका प्रयोग था वो था एंटी नेशनल, वो थोड़ा छोटा डिब्बा था, उसमें सबको नहीं सेट कर सकते थे। और उसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि एक लड़की थी, एक बच्ची है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसने एक सवाल उठाया एबीवीपी के गुंडों के द्वारा जो हमला हुआ एक पब्लिक मीटिंग के ऊपर, मैं गुरमहर की बात कर रहा हूं, तो उसको ये लोग एंटी नेशनल नहीं साबित कर सकते। काहे भाई? क्योंकि वो तो शहीद की बेटी है, उसके पिताजी तो शहीद हुए हैं, तो उसको एंटी नेशनल कैसे साबित करेंगे? बोला नहीं, छोटा बास्केट है, इसमें से आपको नहीं सेट किया जा सकता। एक्स आर्मी है कोई, किसी के पिताजी शहीद हैं, किसी के मान लीजिए जैसे मेरे परिवार में 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं और मेरे नाना जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कैसे आप उनको साबित करेंगे? ये मुश्किल होगा। तो बोला एक नया कर्म लाओ, अर्बन नक्सल, बड़ा बास्केट, किसी को भी डाल दो, दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, यूनिवर्सिटी में रहता हो, अर्बन एरिया का हो या गांव का हो, बोला सबको इसमें डाल दो। ये इतना बड़ा होराइजन है, तभी आपको लगता है कि आप अपने आप को बचा लेंगे? आप भूल नहीं। और मैं आपको कह देता हूं, जो आजादी इस देश के लोगों ने अंग्रेजों से ली थी वो आजादी चोरों के हाथ में जाकर के फंस गई है। निकालना है, हाथ पे हाथ धरे रह करके आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। तमाम तरीके के विरोध हमारे आपके बीच हो सकते हैं। देखिए अभी आपने जो है एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे थे यहां पे हमारे दोस्त, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। राधिका विमूलन ने मेरा नाम लिया और उन्होंने जानबूझ कर भी छोड़ दिया। ध्यान दिए थे ना? ये विरोध है, ये विरोध आप रखिए। आपने बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन किया है, मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये संकीर्णता जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको रोकेगी। प्रधानमंत्री थोड़ी एक सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए बात यह है कि पहले वो तय करिए वो किस पार्टी में जाएंगी, अभी वो किसी पार्टी की मेंबर बनी ही नहीं है। अगर वो हमारी पार्टी का मेंबर बनेगी तो हमारी पार्टी एकदम सौहार्द उनको टिकट देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें क्या दो राय है। लेकिन पहले वो तय करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे, ये उनका निर्णय होगा। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर पिछले 4.5 साल के मुद्दों को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो चुनाव के वक्त टीवी पे बैठ करके सिर्फ ओपिनियन पोल देखने से नहीं होगा। दिल्ली की इन गलियों को, वैसे भी हवा कितनी खराब है दोस्तों, कितना पॉल्यूशन है यहां पे, गांव चलिए, बढ़िया आपको जो है आजकल मक्का का रोटी और साग का जो है सेवन कराएंगे। एक बार इन देश के गांव में घूमना शुरू कीजिए, सांप्रदायिकता का जहर का आलम आपको वहां जाकर पता चलेगा। आप हिंदू और मुसलमान और इंसान की बात कर रहे हैं, वो जानवर पाट करके बैठे हुए हैं, जानवर मकरा है
तो मुसलमान है, गिरगिट है तो हिंदू है। सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, हाथ धोने के तरीकों को हिंदू मुसलमान में बांट कर